नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से कोशिश की और जाती है लक्ष्मी को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बार जो कि पूरी तरीका से टच में है आयुष और ऋषि, क्योंकि आयुष ऋषि को ये पता है कि घर में कोई और नहीं बल्कि मलिष्का ही इनकर्मण को कर रही है, और बार बार जो कि बलविंदर का अगर कोई साथ दे रही है तो वो मलिष्का ही है। लेकिन दोस्तों, इधर लक्ष्मी को एक बहुत बड़ा साथ मिला है, वो बाबूजी का साथ मिल चुका है, और बाबूजी ने वाकई में माफ भी दिया है लक्ष्मी को और अपने गले से भी लगा लिया है। लेकिन दोस्तों, इधर मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो एक बार फिर से बलविंदर को हायर करेगी और बोलेगी कि तुम्हें खाली कुछ नहीं करना, सीधे सीधे शूट करना है इस बार लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को शूट कर जो कि गोली मारनी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि आयुष पूरी तरीका से निगरानी करते हुए नजर आने वाला है। आयुष जानता है कि कोई ना कोई तो ये हरकत ऐसी करने वाली है कि जिससे लक्ष्मी भाभी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और लक्ष्मी को हमेशा तब नुकसान उठाना पड़ा है कि जब इन लोगों की हरकतें हमेशा गंदी रही हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी और इस समय ऋषि एक हैं, और उन्हें तोड़ने की जितनी मलिष्का कोशिश कर रही है इतना ही वो नीचे डाउन जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो अब जल्दी ही पता लगेगी कि किस तरीका से मलिष्का और मलिष्का की मॉम यानी कि किरण दोनों ही बहुत गंदी हरकत करती हुई नजर आ रही हैं। ये बात खुद ऋषि की मॉम नीलम को पता चल जाएगा, नीलम को पता चलेगा कि जरूर मलिष्का और मलिष्का की मॉम कोई ना कोई हरकत तो कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात सभी लोग जान चुके हैं कि जो भी एक्सीडेंट, जो भी हादसा होता है वो आखिरकार लक्ष्मी के साथ ही क्यों हो रहा है, और लक्ष्मी के ही साथ में हमेशा मलिष्का के ऊपर ही क्यों डाउट जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मलिष्का पर डाउट इसलिए जाता है क्योंकि मलिष्का की हरकतें ही काबिलियत से बाहर हो चुकी हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी और इधर लक्ष्मी के साथ में आयुष पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।